जय माँ कात्यायनी। मित्रों, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने विशेष कार्यक्रम में क्या कहती हैं हाथों की रेखाएं। और आज मित्रों दिनांक 16 दिसंबर 2017 दिन शनिवार, इस विशेष तिथि में, इस विशेष अवसर पर आज आपको बताऊंगा मैं कि आपका आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डाउन क्यों होता है, किस रेखा की वजह से होता है। और आप अगर बहुत बड़े आत्मविश्वासी होते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बना हुआ है, किस वजह से बना हुआ है। तो ये हाथ में हमारे कहाँ रेखाएं होती हैं, कहाँ जानकारी होती है, इस विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये शुभ अवसर आपने इसे चूकना नहीं है, देखना भी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अपने हाथ में देखते हैं कि आप एक, हमारे हाथ में दो मंगल होता है, एक मंगल का स्थान ये है, दूसरा ये है। और जब हम अंगूठे को बंद करते हैं, बंद करते समय यहाँ पर एक स्थान होता है जो कि थोड़ा उभार में आ जाता है, फूला होता है, ये होता है हमारा मंगल। और मंगल हमारे पराक्रम शक्ति का स्वामी होता है। दूसरा ये हमारा चंद्रमा होता है। चंद्रमा अगर दबा हुआ हो, मंगल भी आपका दबा हुआ हो, या इस पर क्रॉस की रेखाएं बनी हों, क्रॉस बना हुआ हो, तो ये हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से लोग हमें सुनाते भी रहते हैं, लोग हमें कहते भी हैं, और कई बार लोग इसका गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। तो ये रेखाएं जो होती हैं, क्रॉस की रेखाएं, ये स्थान का दबाव होना ये विशेष कारक है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये रेखाएं ठीक नहीं हैं तो विश्लेषण बहुत ज़रूरी है हर रेखा का। मित्रों, ये ज्ञान आपने सुना भी है, अपने हाथ में देखना भी है, आप स्वयं हस्तरेखा विशेषज्ञ बने, जानकारी रखें। देखिए, ये समय कम होता है इसलिए मैं छोटे छोटे विषय छोटे छोटे रूप में लेके आता हूँ। अगर आपको विस्तारित जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको मैं पूरी जानकारी दे सकूँ। तो मैं आपसे इसी विषय के साथ आज्ञा लेना चाहता हूँ, मुझे दीजिए आज्ञा। मिलता हूँ अगले विषय में, अगले ज्ञान के साथ। नमस्कार।